हाँ तो मेरे प्रियजनों, आज हम अजय कैसेट कंपनी एटा के माध्यम से आपके बीच में और जो कुछ बौद्ध कथावाचक हमारे समाज में और विष फैला रहे हैं, समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में और कुछ चंद पंक्तियां लेकर के आया हूं। मैं शास्त्री रामनरेश यादव, परम आदरणीय गुरुदेव एवं पिताश्री शास्त्री सवर सिंह यादव जी का सुपुत्र हूं। तो आइए गौर करते हैं। अरे सुनना बौद्ध कथा की गवैया, के वैश्या बताई दई दुरगी मैया, मती त्यारी भंग कथा कहन को नाई ढंग। ऐसे कथावाचक जो हमारी दुर्गे माँ को वेश्या बता रहे हैं, तो मेरी समझ से तो उन्हें कथा कहने का कोई ढंग नहीं है। के सुनना बौद्ध कथा की गवैया, के वेश्या बताई दई दुर्गी मैया, मती त्यारी भंग कथा कहन को नाई ढंग। और कहना है उनके बारे में, उन बौद्ध कथावाचकों के बारे में, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ऐसे। और हमारी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति अपशब्द कहते हुए, अरे कात्यारी मत पे पत्थर पड़ गए ने कसर मनाई आई, अरे का तेरी मत पे पत्थर पड़ गए ने कसर मनाई आई, और राम कृष्ण है जग रखवाले गुंडा रही बताई, अरे गुंडा रही बताई रे भैया गुंडा रहे बताई, अरे राम कृष्ण है जग रखवाले गुंडा रही बताई। और जिन मेरे प्रभु को और गुंडा कहा जा रहा है, वो मेरे प्रभु सृष्टि के रचयिता हैं। के प्रभु मेरे कड़ा कड़ा में बस भैया, के प्रभु मेरे कड़ा कड़ा में बस भैया, के वेश्या बताई दई दुर्गी मैया, मती त्यारी भंग कथा कहन को नाई ढंग। और आगे कहना है कि सुधर जाओ, अब भी हम कह रहे हैं, और नहीं तो सनातन धर्म से आप बच नहीं पाएंगे। अरे मेरी समझ से भैया तुमने कथा को मर्म न जाना, अरे मेरी समझ से भैया तुमने कथा को मर्म न जाना, और जनता को भड़काने के लिए, केवल जनता को और भड़काने के लिए आपने ये काम किया है। अरे जनता को भड़काने के लिए पहना तुमने बाना, अरे पहना तुमने बाना रे भैया पहना तुमने बाना,
अरे जनता को भड़काने के लिए पहना तुमने बाना। अगर आप अभी नहीं सुधरोगे बौद्ध कथावाचकों तो क्या होगा, हमारी समाज क्या करेगी? के त्यारी फूटे चांद मलैया, ध्यान रखना, के त्यारी फूटे चांद मलैया, के बेशबताई दई दुर्गी मैया, मती त्यारी भंग कथा कहन को नाई ढंग। और अंतिम बंद में मेरी तरफ से कहना है कि एक शास्त्री बीच में कूद पड़े, कुछ शास्त्रियों ने तो, बौद्ध कथावाचकों ने तो माफी मांगी, लेकिन एक जयदेव शास्त्री और खुलकर के पक्ष में आ रहे हैं बौद्ध कथावाचकों के लिए, तो उनसे कहना है, अरे जयदेव शास्त्री कान खोल के सुनना मेरी बानी, जयदेव शास्त्री से कहना है, अरे जयदेव शास्त्री कान खोल के सुनना मेरी वाणी, अरे मत बोलो ज्यादा बड़ी बड़ी के नहीं देओ भैंसिया निशानी। तुम्हारी वो दशा हो जाएगी कि तुम्हें भैंसियों को सानी लगानी पड़ेगी अगर आप सनातन धर्म से टकराएंगे तो। अरे मत बोलो ज्यादा बड़े बड़े के नहीं देऊ भैंसिया निशानी। और त्यारी मजेदार डूबे नैया, त्यारी नाव निश्चित ही मजेदार डूब जाएगी अगर आप देवी देवताओं के बारे में ऐसे और अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो। के त्यारी मजेदार डूबे नैया, के बेशबताई दई दुर्गी मैया, मती त्यारी भंग कथा कहन को नाई ढंग।